हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हाइपरलूप के बारे में कि हाइपरलूप क्या है, ये कैसे काम करती है और इसकी स्पीड कितनी है और ये हाइपरलूप हमारे भारत देश में कब आएगी। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, हम लोग जैसे सफ़र करते हैं कार में, बस में, ट्रेन में या फिर एरोप्लेन में, लेकिन एक और ऐसी चीज़ है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं ऑटो रिक्शा की बात कर रहा हूँ, बाइक की बात कर रहा हूँ या साइकिल की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, इनमें से मैं किसी भी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बुलेट ट्रेन की। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में बुलेट ट्रेन सबसे स्पीड कहाँ चलाई जाती है? तो मैं आपको बता दूँ कि जापान की एक ट्रेन है जिसका नाम है मैगलेव L0 सीरीज और इसकी स्पीड 603 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो सिर्फ 10 सेकंड में एक माइल की दूरी तय करती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हाइपरलूप के बारे में। हाइपरलूप एक ट्रेन ही है और ये चलती है एक बड़ी सी ट्यूब के अंदर। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप मुंबई से पुणे का सफर 20 से 25 मिनट के अंदर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मुंबई से पुणे की दूरी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप ट्रेन से सफर करेंगे तो 2 घंटे 50 मिनट के आसपास लग जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि ये हाइपरलूप ट्रेन हमारे भारत देश में कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन 2024 से 25 के अंदर आ जाएगी। हाइपरलूप की मैक्सिमम स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एरोप्लेन से भी ज्यादा फास्ट होगी। असल में ये एक ट्यूब ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है। इसे चलाने के लिए सोलर पैनल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि टेस्ला मोटर के फाउंडर इलॉन मस्क है और यही इलॉन मस्क ने 2013 में सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट निकाला था और इसकी बेसिक डिजाइन को तैयार किया था। और मजे की बात यह है कि इस हाइपरलूप में इलेक्ट्रिसिटी काफी कम खर्च होती है। और अगर हम बात करें पॉल्यूशन की तो पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर होगा। दोस्तों, जब बात आती है पॉल्यूशन की तो बात होती है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली पूरे देश का मोस्ट पॉल्यूटेड शहर बन चुका है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब हम फिर उसी टॉपिक पे आते हैं। हाइपरलूप की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट को ओपन सोर्स कर दिया गया है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पर अलग अलग कंपनी काम कर सकती है, हालांकि अभी कर भी रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसों की व्यवस्था करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसकी लागत अरबों डॉलर में होगी। हाइपरलूप 1 का पहला टेस्टिंग अमेरिका के नॉर्थ लॉस वेगस में हुआ था, जो कि सफल भी हुआ। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि बुलेट ट्रेन की जितनी स्पीड है उससे 2 गुनी ज्यादा स्पीड हाइपरलूप की है। चुंबकीय तकनीक से लॉस पॉड पर, यानी कि ट्रैक पर, हाइपरलूप का टेस्टिंग किया गया था और आने वाले टाइम में वैक्यूम ट्यूब, यानी बिना हवा से गुजरने वाली एक कैप्सूल जैसे हाइपरलूप होगी और इसकी रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि ये हाइपरलूप साउंड की स्पीड से ट्रेवल करेगी। ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी के सहारे एक वैक्यूम ट्यूब में ट्रेन चलाई जाएगी। और दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि रिचर्ड ब्रांसन इंग्लैंड के रहने वाले हैं और वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस के मालिक भी हैं, और हमारे भारत देश में वर्जिन मोबाइल यही लेकर आए थे। इनके ही कंपनी का नाम हाइपरलूप 1 है। इस प्रोजेक्ट पे 300 लोगों की टीम काम कर रही है, जिसमें 200 लोग एक्सपर्ट इंजीनियर हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हाइपरलूप काम कैसे करती है। दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं आपको कुछ इजी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं और आगे से ही हवा चलती है, तब हमें बहुत ही कठिनाई होती है साइकिल चलाने में, क्योंकि हवा की दिशा इंसान के अकॉर्डिंग विपरीत होती है, यानी कि उल्टा। आसान भाषा में इसे हवा के खिलाफ होना कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। दोस्तों, आपने कभी सोचा है जब हम ईंट जैसे किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वो जल्दी से रुक जाती है, लेकिन अगर हम बॉल को फेंकते हैं तो वो ज्यादा दूर तक जाती है। इसका कारण है घर्षण, क्योंकि बॉल जैसी चीजों को फेंकने के बाद घर्षण तो लगती है लेकिन बहुत कम लगती है। और अगर लगती है तो क्यों लगती है? क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ है और कोई भी गोलाकार चीजें जमीन को कम छूती है और ईंट जैसी चीजों में घर्षण ज्यादा लगती है, इसलिए गाड़ी के पहिए हमेशा गोल बनाए जाते हैं। हाइपरलूप तभी चलेगी जब एयर रेजिस्टेंस, यानी कि हवा के खिलाफ होना और घर्षण ना होना, तब ये हाइपरलूप अपने ट्रैक के ऊपर चलेगी। हाइपरलूप को चलाने के लिए पाइप जैसे कुछ लूप्स बनाया जाएगा
और उस पाइप के अंदर हवा नहीं होगी, लेकिन पाइप के बाहर हवा होगी और उस ट्रेन के अंदर भी हवा होगी, क्योंकि अगर ट्रेन के अंदर हवा नहीं होगी तो लोग जीवित कैसे रहेंगे। दोस्तों, आप अपने बचपन में चुंबक के साथ जरूर खेले होंगे। चुंबक में दो चीजें होती हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। शायद नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चुंबक है और वो बदकिस्मती से गिरकर टूट गया, तो वह टूटे हुए भाग को एक साथ टूटे हुए भाग से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब वह टूटा हुआ एक भाग आगे की ओर भागता है। लेकिन अगर बिना टूटे हुए भाग को एक टूटे हुए भाग के साथ जोड़ते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। मतलब ये कि नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन नॉर्थ पोल आपस में नहीं जुड़ेंगे, बल्कि वो आगे की ओर भागेगा। बस ये याद रहे कि दो सेम पोल वाले चुंबक आपस में नहीं चिपकेंगे। अगर एक चुंबक को हजार टुकड़ों में तोड़ा जाए तो उन हजारों टुकड़ों में नॉर्थ पोल साउथ पोल जरूर होंगे। हाइपरलूप को चलाने के लिए छल्ले बनाए गए हैं। आप यूं समझ लें कि ये नॉर्थ पोल के छल्ले हैं। मतलब ये कि जो पूरी की पूरी पाइप है वह ट्रेन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, क्योंकि उसमें चुंबक लगी हुई है जिसकी वजह से घर्षण भी नहीं होता है और एयर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज भी नहीं होती है, यानी कि उस पाइप में हवा नहीं होती है। आप यूं समझ लें कि एक वैक्यूम ट्यूब तैयार की जाती है और उसके अंदर ट्रेन होती है और इसकी स्पीड काफी तेज होती है। दोस्तों, हाइपरलूप की इतनी ज्यादा स्पीड होने का कारण यह है कि सबसे पहली बात यह है कि घर्षण नहीं होती है और एक वैक्यूम ट्यूब तैयार की जाती है। मतलब ये कि ट्रेन के अंदर हवा होती है, ट्रेन के बाहर हवा नहीं होती है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर हवा नहीं होती है, एयर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है और उसके सभी पाइपों में चुंबक लगे होते हैं जिसकी वजह से ट्रेन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, इसलिए हाइपरलूप की स्पीड इतनी ज्यादा होती है। हाइपरलूप की स्पीड होने का कारण ये भी है कि इसके नीचे एक लीनियर मोटर लगी होती है। एक्चुअल में ये गोल मोटर नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं स्टेटर को खोलकर ट्यूब में इसे बिछा दिया जाता है और इस हाइपरलूप के आगे कंप्रेसर लगा होता है ताकि हवा को खींच के पीछे निकाल सके और इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ सके। दोस्तों, हाइपरलूप में रेलगाड़ी की तरह डब्बे नहीं होते हैं, इसमें छोटे छोटे पॉड्स होते हैं जो एक एक करके ट्रेवल करते हैं और ये पॉड्स इसलिए होते हैं ताकि इसमें यात्री ट्रेवल कर सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स जानने का इंतजार है। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे होगा ये कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, तब आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।